अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने विनी द पू जो रीच है और जो बहुत सारी किताबें जिसके बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं, और तो एक तो विनी द पू है और एक टेडी बेयर है, याद है ना आपको? ये दोनों, टेडी बेयर जो खिलौना है और विनी द पू। लेकिन हम आज कहानी पढ़ रहे हैं ये वाली, फाइंडिंग विनी। ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा मशहूर रीच है वो विनी है और उसके बारे में ये कहानी है। तो एक लड़का है कोल, वो अपनी माँ से रात को कहानियाँ सुनता है। तो वो कहता है कि आज मुझे आप कोई रीच की कहानी सुनाएं। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ उस बच्चे की, ये देखिए। ठीक है, और वो चाहता है कि बेर के बारे में, रीच के बारे में कहानी सुने। तो माँ बताती है कि बहुत साल पहले, आज से कोई मतलब 100 साल या उससे भी पहले, एक आदमी था जो एक वेटरिनेरियन था। वेटरिनेरियन बच्चों किसको कहते हैं मालूम है? वो जो और शॉर्ट में उसको कहते हैं वेट, यानी जो जानवरों का डॉक्टर होता है। ठीक है, जानवरों के डॉक्टर को कहते हैं वेटरिनेरियन। तो हैरी नाम था, हैरी कोलबन नाम था इस शख्स का। और मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये। और वो बहुत जाहिर है, जिसको जानवरों से मोहब्बत होती है वही जानवरों का डॉक्टर भी बन सकता है। तो वो जानवरों को कुछ भी बीमारी जब हो जाती थी, नज़ला, बुखार, खांसी या कोई और चीज़, टांगों में दर्द या जो भी हो जाता था, तो वो उनका इलाज करता था। ठीक है, अच्छा, एक दिन ऐसा भी आया, ये रहता था कनाडा में, एक शहर है जिसका नाम है विनीपेग, विनीपेग याद रखिएगा। तो हैरी का ताल्लुक विनीपेग से था, ठीक है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसको विनीपेग को खुदाहाफिज़ करना पड़ा। वो क्यों? वो इसलिए कि उसको बहुत दूर जाना था अपने मुल्क की मदद करने। किस तरह मदद करने? के जो सिपाहियों के पास जो घोड़े, उस ज़माने में आपको मालूम है कि जब जंगें लड़ी जाती थी, और ये उस ज़माने की बात है जब पहली जंग अजीम 1914 वाली वो शुरू हुई थी, तो हैरी को सिपाहियों के घोड़ों की देखभाल के लिए उसको बुलाया गया। अच्छा, तो वो ट्रेन में बैठा और ट्रेन जो है वो चल पड़ी, और वो सोच रहा था देखें सब लोग मिलने आ रहे हैं अपने, है ना। और ये देखिए, ये हैरी ट्रेन में बैठा है और वो देख रहा है और सोच रहा है कि पता नहीं मैं कितनी दूर जा रहा हूँ। वो कभी गया नहीं था विनीपेग से बाहर, कभी गया नहीं था। अच्छा, वहाँ एक यानी रास्ते में जब बहुत दूर तक ट्रेन चली, उसके बाद एक वाइट रिवर एक जगह है, तो वहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। तो ये भी अपने पैर सीधे करने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गया। वहाँ उसने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, है ना, वो बेंच पे बैठा हुआ है। करीब जाकर उसको ने देखा कि उसके पास, मैं दिखाती हूँ आपको क्या है, ये देखिए, ये तो हैरी है और पीछे ट्रेन नज़र आ रही है। और ये देखें, ये शख्स जो बैठा है, हाँ, ये नज़र आया आपको, छोटा सा रीच का बच्चा। तो हैरी जो है ना, देखता रहा, सोचता रहा, इधर से उधर वो चक्कर काटता रहा प्लेटफॉर्म पर, और फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने निकाले $20। अच्छा, उस ज़माने के लिए इतने सारे साल, मैंने आपको बताया कि ये 1914 की बात है,
तो इतने सालों पहले $20 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। उसने उस शख्स को, क्योंकि वो समझ गया था कि ये आदमी जो है ना, इसने इसको पकड़ा हुआ है, रीच के बच्चे को अपनी माँ से जुदा किया हुआ है और ये बेचना चाहता है उसको, तो उसने उसको $20 दिए और उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें $20 दे रहा हूँ, तुम ये मुझे दे दो। जाहिर है वो तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि हाँ ठीक है ले लो। तो हैरी ने उस रीच के बच्चे को ले लिया। अच्छा, अब जनाब वो था वेट, लेकिन फौज में क्योंकि हर एक का एक ओहदा होता है ना, तो वो कैप्टन था, कैप्टन हैरी कोलबर्न। तो जो कर्नल साहब थे, उनको उन्होंने जब देखा कि ये रीच के बच्चे को ट्रेन पर साथ लेकर आया है, तो वो तो बड़े नाराज़ हुए, ये देखें। और बाकी जो सारे जो सिपाही थे, ये सब भी देख रहे हैं कि इससे पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि रीच के बच्चे को। लेकिन वो जो बच्चा था ना, बड़ा स्मार्ट था, उसने अपने दोनों पाँव पे वो खड़ा ऐसे हुआ कि जैसे सल्यूट कर रहा हो कर्नल को, और उसने कहा, हैरी ने कहा कि कर्नल साहब, मेरा ख्याल है कि मैं इसका नाम जो है वो विनिपेग रखूँगा, और ये याद दिलाएगी हमें हमारे शहर की, हम सब विनिपेग से हैं, और मुख्तसर करके इसका नाम विनी इसको कहेंगे, विनी। तो अच्छा, जब उसको उन्होंने भी, कर्नल ने देखा गौर से कि बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा ये रीच का बच्चा, तो उनका भी दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, चलें साथ इसको पी ले चलते हैं। तो उसको साथ ले लिया। अब हर कोई जो है वो ज़रा उसमें भी पड़ गया कि इसको खिलाएंगे क्या। तो आप देखें, कोई पता नहीं सब्जियां जो हैं मुख्तलिफ, ये देखिए गाजर और मूली और पता नहीं आलू और टमाटर और सेब और मछली और कंडेंस मिल्क, मीठा मीठा, ये देखिए। हाँ, तो उसके खाने पीने का, और वो इंतज़ाम ज़ाहिर है ज़रूरी था, और वो बहुत ही भूखा बच्चा था, आपको पता है, इतनी खुराक थी उसकी कि उसको हर वक्त लगता था कि भूख लग रही है। अच्छा, तो कनाडा से जो सारे जो सिपाही जमा हुए थे, तो एक बिल्कुल एक खेमा, खेमों का एक शहर बन गया एक जगह, इन्होंने जब पड़ाव डाला, और एक अस्पताल भी घोड़ों के लिए, वो भी वहाँ पर, मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हैरी है, ये उसका विनी, उसकी विनी, और ये वो अस्पताल, और सारे जो टेंट लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं जहाँ पर ये सिपाही रहते हैं। तो विनी जो है ना, बहुत ज़्यादा होशियार थी कि कोई चीज़ अगर ढूंढनी हो, कहीं रखी हो, तो वो उसको ढूंढ निकालती थी। मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर, ये देखिए, आपको विनी नज़र आ रही है, लेकिन आप ये देखिए कि सेब रखा हुआ था एक, और वो ये रास्ता दिख रहा है ना, तो ये कहाँ से कहाँ उसकी मतलब तलाश में वो ढूंढ निकालती थी। तो उसको भी एक ओहदा दे दिया गया, विनी को भी। अच्छा, कि ये तो फौज की एक मतलब फ़र्द हो गई ना वो। तो विनी जो है, यूँ हैरी के साथ साथ और बाकी सबके साथ साथ, लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको एक और जाना तो था, समंदर पार इनको जाना था इंग्लैंड। मतलब फौजी थे सारे और लड़ाई लड़नी थी, जंग चल रही थी। तो कोई 36,000 सिपाही, 7,500 उनके घोड़े, और एक रीच का बच्चा। ये देखिए, ये जहाज़ में बैठ के, ये आपको विनी भी है ना नज़र आ रही है, और ये जहाज़
और समंदर में ज़ाहिर है कि समंदर का सफ़र था, और ये लोग कहाँ पहुँचे, ये इंग्लैंड पहुँचे और इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की सब सिपाहियों ने। और विनी जो है ना वो बस सबके लिए एक तरह से एक मैस्कॉट की तरह के सबको बहुत बहुत अच्छी लगती थी वो। ये देखिए तस्वीर, ये देख रहे हैं आप, ग्रुप पिक्चर बन रही है विनी के साथ और बातें हो रही हैं हैरी और विनी की। तो इतनी स्पेशल मतलब वो थी कि बस के हर दिल अजीज, सबको अच्छा लगता था। अच्छा, एक दिन फिर ये चले गए कहाँ, मैं आपको दिखाऊं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन से बड़े शहर। ये जा रहे हैं लंदन। हाँ, ये इसलिए जा रहे हैं कि इनको जो फौजियों को फिर एक हुक्म मिला कि फ्रांस जाना है, और जाहिर है लड़ाई थी, जंग थी, फ्रंट पे जाना होता था महाज पर। तो हैरी ने विनी को समझाया कि देखो मैं तुम्हें लंदन का बहुत बड़ा अच्छा जो चिड़ियाघर है, ज़ू है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। वो ज़ाहिर है बहुत उदास थी विनी, ये देखिए, है ना, जानवरों को समझ तो होती है, वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो लेकिन हैरी की जो बात थी वो भी सही थी, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान को ख़तरा मैं नहीं चाहता कि हो, तो बस फिर उसने उसको वहाँ छोड़ा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का अपने वालिद के साथ लंदन ज़ू गया और वहाँ उसने विनी को देखा, और विनी उसको इतना अच्छा, मतलब उसका विनी के साथ एक रिश्ता सा बन गया, और उसको इजाज़त होती थी कि वो विनी का जो 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 पिंजरा था या जहाँ उसको रखा गया था, ये देखिए, तो वो विनी के साथ, और ये उसके अब्बा देख रहे हैं, है ना। और विनी के बारे में फिर उन्होंने इस बच्चे के वालिद ने बहुत सी कहानियाँ लिखी, वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था। उनका नाम था क्रिस्टोफर रॉबिन बेलने, और उन्होंने विनी द पू के जो ऑथर है ना, तख्लीककार, जिन्होंने तख्लीक की वो कहानियाँ, तो उन्होंने ढेरों वो लिखी। और हैरी जो था, जो वेट, वो फिर जब जंग ख़त्म हुई तो वो वापस अपने घर चला गया, लेकिन एक दिन फिर वो लंदन दोबारा आया था देखने अपनी विनी को, और उसने देखा कि वो बहुत खुश है, खुशी खुशी वहाँ रह रही है। अच्छा, जो वो कैप्टन हैरी कॉलबर्न थे ना, तो उनकी जो मतलब ये कि उनकी जो पोती थी, वो ये जो बच्चा जो कहानी सुन रहा है, ये देखिए, ये वही है, और ये कोल जो उसका नाम बच्चे का रखा है, वो उसके पर दादा के नाम पर रखा है। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको वो असली तस्वीरें, क्योंकि बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो आप ये देखिए, ये जो हैरी ने ये सारी तस्वीरें अपने एल्बम में लगाई हुई थी विनी के साथ। कैसी लगी आपको कहानी, अच्छी है ना, कितनी मज़े की किताब है ये। खुदा हाफिज़।